हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन टू डेज ये हमारा कोर्स चल रहा है और इसके लिए ऑलरेडी हमारी 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जिसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन विद बेस्ट ट्रिक कर ली है। इसके अलावा नोमन क्लेचर सारे का सारा जो ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर में आया हुआ है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक का वो कर लिया है। मैकेनिज्म कर लिया है, सबसे डर लगता है बच्चों को मैकेनिज्म से, मैकेनिज्म मोस्ट इंपोर्टेंट कर लिया है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आपको दो केमिकल कंपाउंड दे दिए जाते हैं, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे आप कैसे इनको अलग करोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आपको चीनी बूरा दे दिया जाए, नमक दे दिया जाए, अब दोनों देखने में व्हाइट है और आपको बिना टेस्ट करे बताना कौन सा नमक है कौन सा बूरा है, तो यहाँ पे केमिकल टेस्ट आ जाते हैं। एक तो आपको पता होगा ना, छोटी क्लासेस में एसिड और बेस के लिए हम लोग लिटमस टेस्ट करते थे, ऐसे ही यहाँ पे है। ज्यादातर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल प्रोपेनोन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइलमाइन एनिलीन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल बेंजोइक एसिड, इस तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आप लोग टेस्ट से ही करोगे और इस वीडियो में मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट सारे के सारे टेस्ट। यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दिया है टेस्ट का, डीप में मैंने बता रखे हैं, उनके लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्योरली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है, सिर्फ 1 घंटा लगेगा आपको ये सारे टेस्ट करने में और आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मैंने इनको प्रायोरिटी बेस पे रखा है कि किसके चांसेस सबसे ज्यादा है आने के, तो सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट को आने के। मैं इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, ये बता रहा हूँ आपको, इनको डीप में पढ़ना है ना तो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, सारे की वीडियो तो मैंने बनाई रखी है। ठीक है, तो देखो आइडोफॉर्म टेस्ट किसे कहते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट अप्लाई कहां पे होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट पे कॉपीराइट है भाई मिथाइल कीटोन का। ठीक है, किसका है, मिथाइल कीटोन का। सबसे ज्यादा ये मिथाइल मतलब कीटोन्स के लिए अप्लाई होता है ये, और दूसरा कुछ इस तरह के अगर अल्कोहल है CH3CHOH, ठीक है इस तरह के अल्कोहल हो, इसके अलावा इथेनॉल पे भी अप्लाई हो जाता है, इथेनॉल पे भी अप्लाई हो जाता है आइडोफॉर्म टेस्ट। इनके लिए पॉजिटिव रहता है, बाकी सबके लिए नेगेटिव रहता है। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए दैट हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, तो ये टेस्ट काम आएगा, सबसे ज्यादा ये टेस्ट आने के चांसेस है। दूसरे नंबर पे बात करें टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट में पे कॉपीराइट है किसका, एल्डिहाइड का, ये एल्डिहाइड को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और सिल्वर मिरर बनाते हैं। इसके बाद रहता है भी कार्बाइलामाइन टेस्ट, कार्बाइलामाइन टेस्ट कब आएगा, जब कभी भी डिस्टिंग्विश आ जाए प्राइमरी अमाइन के अंदर एंड सेकेंडरी अमाइन के अंदर, प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन में अगर कभी भी आ जाता है तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट वहां पे आप लोग अप्लाई करोगे, याद रखना। इसके बाद NaCO3 टेस्ट पे कॉपीराइट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे कि एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड बेंजोइक एसिड, फिनोल इज जब बेंजीन के ऊपर क्या लगता है OH लगता है, एंड बेंजोइक एसिड किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर COOH लगता है। ठीक है, तो इस पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे आप, NaCO3 टेस्ट अप्लाई करने वाले हो, इसके लिए पॉजिटिव रहेगा इसके लिए नेगेटिव रहेगा, थोड़ा डीप में भी देख रहे हैं इनको, इंपॉर्टेंट टेस्ट है बहुत ज्यादा। डाई टेस्ट, डाई टेस्ट में कपलिंग रिएक्शन होती है, ये कब आता है किस केस में आएगा, ये आएगा जब आपके पास एक एरोमेटिक अमाइन हो, क्या हो, एरोमेटिक अमाइन और एक हो एलिफेटिक अमाइन, तब आप लोग ये टेस्ट अप्लाई करते हो। एक आता है लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट आप लोग कब अप्लाई कर सकते हो, जब एक अल्कोहल हो और एक क्या हो, फिनोल हो। तो याद रखिएगा कि लिटमस टेस्ट में फिनोल के लिए पॉजिटिव रहता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और अल्कोहल पे कोई भी डिफरेंस शो नहीं करता। इसके अलावा अगर मैं 2-4 और इंपॉर्टेंट बोलू, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना, अपनी जो वीडियो बनी आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, टेस्ट का नाम बाय भारत पंचाल करके, या फिर लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको पता हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 2 डेज की 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसमें मैंने नेम रिएक्शन करवा दिए, जिसमें मैंने सारे का सारा नोमन क्लेचर करवा दिया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म करवा दिए, वो नहीं देखे तो देख लेना, 4th वीडियो है। देखो तो एक टेस्ट आ जाता है आपका लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट कब अप्लाई करते हैं हम लोग, जब प्राइमरी सेकेंडरी
और टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करना हो, और एक होता है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट, होप की स्पेलिंग गलत ना हो मेरी। हिंसबर्ग टेस्ट कब अप्लाई होता है? जब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में डिस्टिंग्विश करना हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये भी कर लेना साथ में, सेफ हैंड में रहोगे, ठीक है, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं। इनको अच्छे से करो, बस इनके अलावा कोई टेस्ट नहीं करना आप लोगों ने, अच्छे से कर लेना। एक घंटे में 3 नंबर आपके पक्के हैं। चलो एक काम, अभी तक अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक नहीं किया आपने तो।